नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको क्वेश्चन में ए क्यूब की वैल्यू दी गई है, बी क्यूब की वैल्यू दी गई है, तो हमें इसके इक्वल 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है गाइस, तो सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में ए क्यूब इज इक्वल टू दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से पहले तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। इस साइन थीटा में साइन का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो मेरे पास ए क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों साइड का क्यूब रूट कर देते हैं। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, इस साइड ए आ गया और इस साइड कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर 1/3। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इसकी होल पावर 2/3। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब हम बी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। बी क्यूब इज इक्वल टू दिया गया है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। पहले तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो, यहां से सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, ओके, माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, 1 और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा, कोस में कोस का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 माइनस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बी क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड का क्यूब रूट कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा की होल पावर 1/3। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा की होल पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी गई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इसकी होल पावर 2/3। फिर बी स्क्वायर, तो इनटू बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इसकी होल पावर 2/3। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इसकी होल पावर 2/3। पावर को मैं सेपरेट कर देता हूं, तो इसकी पावर 2/3 और इसकी पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 2/3 अपॉन कोस थीटा इसकी होल पावर 2/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इनको आप कॉपी कर दो, मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4,
तो कोस की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन दी पावर 2/3 थीटा। ओके, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन कोस की पावर 2/3 थीटा। मैंने क्या किया, ये जो पावर है ना दोनों के ऊपर लगा दी है, ठीक है। और इस साइड आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या जाएगा, साइन की पावर 2/3 थीटा इंटू कोस की पावर 2/3 थीटा। ओके स्टूडेंट, अब इसका डिवाइड करूंगा इसमें तो एक कैंसिल, ये बच गया, इसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर क्या है, कोस की पावर 2 × 2 4/3 थीटा इंटू कोस की पावर 2/3 थीटा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 और 2 6, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन की पावर 2/3 थीटा साइन की पावर 2/3 थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो साइन की पावर 4/3 थीटा, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। कोस की पावर 2/3 थीटा इंटू कोस की पावर 2/3 थीटा, कोस की पावर 4/3 थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों डिवाइड में है, कैंसिल। इन सभी को कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1। हमें 1 ही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। इफ कोट थीटा इंटू 1 + sin θ इज इक्वल टू 4m एंड कोट थीटा इंटू 1 - sin θ इज इक्वल टू 4n, प्रूव दैट m² - n² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में m और n की वैल्यू को पुट करके आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 4m इज इक्वल टू कोट थीटा इंटू 1 + sin θ। अब यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास आता है कोट थीटा इंटू 1 + sin θ अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, 4m इज इक्वल टू कोट थीटा इंटू 1 - sin θ। यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू आ जाएगा कोट थीटा इंटू 1 - sin θ अपॉन 4, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड है m² - n² इसका होल स्क्वायर, ओके। देखो m² - n² है, दैट इज a² - b² a + b a - b, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m + n (m - n), इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसमें m और n की वैल्यू पुट करते हैं, देखो m हमारे पास है कोट थीटा इंटू 1 + sin θ अपॉन 4 प्लस n कोट थीटा इंटू 1 - sin θ अपॉन 4। ये तो हो गया आपका m + n, ठीक है। अब इंटू में m - n, तो कोट थीटा इंटू 1 + sin θ अपॉन में 4 माइनस कोट थीटा इंटू 1 - sin θ और अपॉन में 4, ठीक है।
और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब हम एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम तो सेम ही है, 4 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म कॉपी कर देंगे, लेकिन दोनों में कोट थीटा कॉमन है, पहले आप उसको कॉमन लें। कोट थीटा को कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास ये पोर्शन आ गया। अब इनटू में इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले टर्म कॉपी कर देंगे और इसमें भी कोट थीटा को कॉमन ले लेंगे। जब कोट थीटा को कॉमन लेंगे तो यहां बच गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस इनटू माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है, और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का कैंसिल, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल, इस साइड से बच गया 1 प्लस 1 2 कोट थीटा और अपॉन में 4 ओकेशन इनटू, यहां क्या बचेगा कोट थीटा और इनटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा और अपॉन में 4 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 से 4 कट गया 2 टाइम, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, ठीक है। यहां क्या बच गया आपके पास कोट थीटा अपॉन 2 इनटू, अब इस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू साइन थीटा बाय 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। देखो कोट का स्क्वायर क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं मैं, देखो कोट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख दूंगा कोट थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। हमें प्रूव करना है ना mm, तो कोट थीटा के साथ में पहले मैं ले लेता हूं 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 16 है तो 4 को मैं नीचे लगा देता हूं, ठीक है। फिर इनटू कोट स्क्वायर थीटा था ना, हमने कोट को लिखा है तो एक कोट और लिख देंगे कोट थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 4। देखो कोट इनटू कोट कोट स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा, 4 इंटू 4 16। अब आप देख सकते हैं ये तो m की वैल्यू हो गई और ये आपकी n की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये आपका m है और ये आपका क्या है n, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन 22 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। If sin theta plus cos theta is equal to m, then prove that sin the power 6 theta plus cos the power 6 theta is equal to 4 minus 3 time m square minus 1 का whole square upon 4, ठीक है guys? तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख दे। Sin theta plus cos theta is equal to m, देखो अब मैं क्या करता हूं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर. ओके गाइस, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अब इस 1 को इस साइड शिफ्ट कर देता हूं तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1. अब इस 2 को भी इसके डिवाइड में भेज देता हूं तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन दी पावर 6 थीटा प्लस कोस दी पावर 6 थीटा. अब साइन दी पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस इसको ऐसे लिख दूंगा कोस की पावर 2 थीटा इसका होल क्यूब. ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को बी कंसीडर कर लेता हूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहां लगेगी. तो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं. ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इनटू में ए स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन दी पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है स्टूडेंट, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो हो गया आपका 1. अब साइन की पावर 4 थीटा को लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस दी पावर 4 थीटा को लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें मैं 2ab ऐड कर दूंगा, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड किया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट किया और ये आपके क्वेश्चन में है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. क्लियर गाइस, अब आप ध्यान से देखेंगे ये ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इस कंप्लीट को लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 टाइम बन जाएगा ये माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. क्लियर गाइस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. अब इस वाली चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी, इसकी वैल्यू क्या है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो इसके रिप्लेस में मैं ये पुट कर सकता हूं, तो 1 माइनस 3 इसकी वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर. अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 माइनस 3 टाइम एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3 टाइम एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर.
यही आपको प्रूव करना था। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 को लेते हैं। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ए एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट ab प्लस a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसमें a और b की वैल्यू पुट करके हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस 1। ठीक है, ए कितना दिया गया है sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू बी, बी है cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये आपका ए बी हो गया। उसके बाद प्लस ए, ए आपके पास है sec थीटा माइनस tan थीटा, फिर माइनस बी, बी है cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, और प्लस में 1। अब हम क्या करते हैं sec tan cosec cot इनको चेंज करेंगे। देखो sec को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा, फिर माइनस tan को लिख सकता हूं sin अपॉन cos। ओके, अब cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin, प्लस cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना है। फिर प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेते हैं। देखो इसका एलसीएम तो सेम ही है cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर 1 माइनस sin थीटा, फिर इनटू में इनका एलसीएम भी सेम ही है sin थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका एलसीएम सेम cos थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली इनका एलसीएम sin थीटा, तो ऊपर 1 प्लस cos थीटा और प्लस में 1 अपॉन 1। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 को 1 प्लस cos थीटा के साथ करूंगा तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, फिर माइनस sin थीटा के साथ करेंगे तो माइनस का sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos इंटू sin। ठीक है, ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी को कॉपी कर दो, प्लस 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा और माइनस 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है शे? अब आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। देखो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा cos थीटा sin थीटा। ओके, तो cos थीटा sin थीटा इसका डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम 1 को इसको कंप्लीट के साथ करेंगे तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस cos का डिवाइड करूंगा, cos से cos कैंसिल, sin बच गया, sin को इसके साथ करूंगा तो sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin का डिवाइड करूंगा sin से sin कैंसिल, cos बच गया, cos को इस कंप्लीट के साथ करूंगा तो माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा, ये इसको 1 के साथ कर दो तो cos थीटा sin थीटा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो cos थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का,
साइन थीटा माइनस का, साइन थीटा प्लस का, ये माइनस का और ये आपका प्लस का। अब ध्यान से देखो, वन प्लस का साइन स्क्वायर माइनस का, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर जीरो आ गया तो आपकी पूरी कैलकुलेशन जीरो आ जाएगी, और आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। प्रूव दैट मोड ऑफ अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम क्या आएगा इनका, अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, देखो अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, वन माइनस साइन थीटा आ जाएगा, फिर प्लस नीचे वाले का डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये आपका मोड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, वन प्लस का वन प्लस का, तो ये हो जाएगा टू अपॉन, दोनों अंडर रूट में है तो एक साथ इनको मैं लिख देता हूं, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मोड ऑफ टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आएगा टू अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मोड स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया मोड ऑफ टू अपॉन कोस थीटा। अब मोड से ये जो क्वांटिटी बाहर निकलेगी वो क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव टू अपॉन कोस थीटा, बट जो थीटा है वो पाई बाई टू और पाई के बीच में लाई करता है, इसका मतलब कोस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस थीटा है वो नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। If Tn is equal to sin the power n theta plus cos the power n theta, prove that first portion is T3 minus T5 upon T1 is equal to T5 minus T7 upon T3. तो left hand side को लेते हैं पहले। Left hand side दी गई है T3 minus T5 upon T1. अब बात को समझते हैं। देखो टी एन में एन के रिप्लेस पे 3 पुट करेंगे तो T3 मिलेगा, एन के रिप्लेस पे 5 पुट करेंगे तो T5 मिलेगा, और एन के रिप्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमें T1 मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं एन के रिप्लेस पे 3 पुट करता हूं, तो साइन दी पावर 3 थीटा प्लस कोस दी पावर 3 थीटा, ये तो हो गया आपका T3 माइनस एन के रिप्लेस में 5 पुट करेंगे तो साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा,
ये आपका हो गया टी फाइव और अपोन में टी वन, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन क्यूब थीटा और माइनस साइन दी पावर फाइव थीटा को मैं पास पास में लिखता, साइन थ्री थीटा माइनस साइन दी पावर फाइव थीटा, सिमिलरली सेकंड और लास्ट टर्म को लिखता हूं, प्लस कोस दी पावर थ्री थीटा माइनस इनटू प्लस माइनस कोस दी पावर फाइव थीटा, ओके, अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, इन दो टर्म में साइन की पावर थ्री थीटा को कॉमन लेना है, तो साइन की पावर थ्री थीटा को कॉमन लिया तो यहां बच गया वन माइनस आगे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब इन दो में कोस की पावर थ्री थीटा को कॉमन लेंगे तो कोस क्यूब थीटा को कॉमन लिया तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, और अपोन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है शे? अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो साइन की पावर थ्री थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, और अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेना है ऊपर से पूरी एक्सप्रेशन में, तो ऊपर से मैंने साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो यहां बच गया साइन थीटा प्लस आगे बच गया कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है श्री, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है श्री, अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड है टी फाइव माइनस टी सेवन अपॉन टी थ्री, तो टी एन में एन के रिप्लेस में फाइव पुट करते हैं, ये इसकी राइट हैंड साइड है, मैं सीधा ही पुट कर रहा हूं, साइन दी पावर फाइव थीटा प्लस कोस दी पावर फाइव थीटा, ये तो आपका हो गया टी फाइव। अब माइनस टी सेवन फाइंड आउट करना है, तो साइन की पावर सेवन थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कोस की पावर सेवन थीटा अपॉन टी थ्री, दैट इज साइन की पावर थ्री थीटा प्लस कोस की पावर थ्री थीटा। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में साइन की पावर फाइव थीटा को कॉमन लेता हूं, तो साइन की पावर फाइव थीटा को कॉमन लिया यहां बच गया वन माइनस आगे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस सेकंड और फोर्थ टर्म में कोस की पावर फाइव थीटा को कॉमन लेता हूं, यहां बच गया वन माइनस आगे बच गया कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ठीक है श्री, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन की पावर फाइव थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर फाइव थीटा इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर से कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन लिया तो यहां बच गया साइन की पावर थ्री थीटा और आगे बच गया कोस की पावर थ्री थीटा अपॉन साइन की पावर थ्री थीटा प्लस कोस की पावर थ्री थीटा। ठीक है, देखो इससे आपका ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों साइड क्या हो गई इक्वल। ठीक है गाइस, तो ये इसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम सेकंड पोर्शन को लेते हैं। 2 टाइम t6 माइनस 3 टाइम t4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है 2 टाइम t6 माइनस 3 टाइम t4 प्लस 1। ठीक है, अब tn में n के रिप्लेस में 6 पुट करेंगे तो t6 मिलेगा, n के रिप्लेस में 4 पुट करेंगे तो t4 मिलेगा। सो 2 टाइम साइन दी पावर 6 थीटा प्लस कोस दी पावर 6 थीटा, ये तो आपका हो गया क्या t6 माइनस 3 टाइम n के रिप्लेस में 4 पुट करेंगे तो साइन दी पावर 4 थीटा प्लस कोस दी पावर 4 थीटा, ये आपका t4 हो गया और प्लस में 1। अब देखो साइन दी पावर 6 थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 टाइम साइन दी पावर 4 थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, अब इस साइड से ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। 2 टाइम ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपका a प्लस बी। उसके बाद ए स्क्वायर दैट इज साइन दी पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस दी पावर 4 थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा ए मान लो, कोस स्क्वायर थीटा को बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें 2ab ऐड करेंगे और 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें मैं 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा ऐड करता हूं और 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करता हूं और प्लस में 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया और इसको फिर से देखो मेरे को आइडेंटिटी बनानी है। मैंने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को ऐसे अरेंज किया है तो इसको भी मैं फिर से इसको कॉपी कर देता हूं, तो 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड किया और 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट किया और एक आपका ये है तो 2 प्लस 1 इसको मैं 3 लिख देता हूं। ठीक है, फिर माइनस 3 ये कंप्लीट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। अब ये भी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम, ये आपका 1 बन गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। सिमिलरली ये भी आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इसके रिप्लेस में 1 लिख दूंगा, 2 इंटू 1 माइनस
थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। टू इंटू वन टू माइनस टू थ्री जा सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई करो, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस सिक्स टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन। देखो ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, टू पॉजिटिव वन पॉजिटिव, टू प्लस वन थ्री, ये नेगेटिव तो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया जीरो। आपको जीरो प्रूव करना था तो हैंस प्रूव। ठीक है गाइस, तो ये इसका सेकंड पोर्शन कंप्लीट। अब हम थर्ड पोर्शन को लेते हैं। थर्ड पोर्शन में दिया है सिक्स टाइम टी टेन माइनस फिफ्टीन टाइम टी एट प्लस टेन टाइम टी सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम टी टेन को फाइंड आउट करेंगे, फिर टी एट को और टी सिक्स को, तीनों की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टी टेन को फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो टी टेन इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें एन के रिप्लेस पे टेन पुट कर दो, साइन दी पावर टेन थीटा प्लस कोस दी पावर टेन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन द पावर सिक्स थीटा प्लस कोस द पावर सिक्स थीटा, ओके, और इनटू में साइन द पावर फोर थीटा प्लस कोस द पावर फोर थीटा, ओके। अब इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं साइन द पावर फोर थीटा इंटू कोस द पावर फोर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये सब्ट्रैक्ट कैसे किया मैंने, देखो साइन द पावर सिक्स थीटा को साइन द पावर फोर के साथ करेंगे तो साइन की पावर टेन आ गया, तो एक एक्स्ट्रा टर्म इसके साथ आ गई, यानी कि साइन की पावर सिक्स थीटा इंटू कोस की पावर फोर थीटा, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई ये प्लस कोस द पावर सिक्स थीटा इंटू साइन द पावर फोर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन द पावर सिक्स थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, फिर साइन द पावर फोर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वन हो गया, तो माइनस साइन द पावर फोर थीटा इंटू कोस द पावर फोर थीटा। ठीक है सर, अब यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए प्लस बी। उसके बाद ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन द पावर फोर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस द पावर फोर थीटा माइनस ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखो इस पे चलते हैं, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो टू ए बी एड करेंगे और टू ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें मैं एड करता हूं टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने ऐड कर दिया और ये मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लास्ट में क्या है माइनस
साइन द पावर 4 थीटा कोस द पावर 4 थीटा। ओके सर, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, अब हमारे पास बच गया साइन द पावर 4 थीटा प्लस कोस द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? देखो यहां भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है, तो हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, तो इसको भी हमें अरेंज करना है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर एड करूंगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो साइन द पावर 4 थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 और प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन द पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन द पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन द पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 के साथ करेंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर 3 के साथ करेंगे 1 को, तो माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, 3 टू जा 6 टाइम साइन की पावर 2 और 2 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, और माइनस साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3, ये 3 टाइम है और ये 2 टाइम है, तो ये 5 टाइम हो गया। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां से रफ करके, तो हमारे पास टी टेन इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2 और 3 5 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का 6 टाइम है और ये माइनस का 1 टाइम है, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 5 टाइम कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास टी 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टी 8 को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको आप नोट करें। अब मैं टी 8 को फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। देखो T8 इज इक्वल टू
यहां एन के रिप्लेस पे एट रखेंगे तो साइन की पावर एट थीटा प्लस कोस की पावर एट थीटा, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन की पावर सिक्स थीटा और प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा और इसके इनटू में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है वो देख लेते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन की पावर एट आएगा, एक्स्ट्रा टर्म आ गई साइन की पावर सिक्स थीटा इंटू में कोस की पावर टू, और एक ये एक्स्ट्रा आ गई टर्म कोस की पावर सिक्स थीटा इंटू साइन की पावर टू थीटा, ये एक्स्ट्रा आ गई तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा, ओके स्टूडेंट। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो साइन की पावर सिक्स थीटा को लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब, ठीक है, और ये आपका हो गया वन, ठीक है जी। माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इनटू इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से इसको ओपन करते हैं तो a प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपका a प्लस बी और इनटू में a स्क्वायर दैट इज साइन की पावर फोर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस की पावर फोर थीटा माइनस ए बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके इनटू, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो टू ए बी एड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, ये मैं ऐड करता हूं टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये तो आपका वन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया साइन की पावर फोर थीटा जिसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूं और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो टू ए बी एड करेंगे टू ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर टू ए बी एड किया दैट इज टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। ये टू टाइम है वन टाइम और है तो ये थ्री टाइम बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये आपका वन हो गया तो इनटू में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इनटू में आ गया वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ओके, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया टू टाइम साइन की पावर फोर थीटा कोस की पावर फोर थीटा, ओके जी। अब इस ब्रैकेट को भी यहां से हटा देता हूं, अब हमारे पास
T8 इज इक्वल टू, देखो फाइनली क्या आएगा, ये 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, 4 टाइम हो गया, 1 माइनस 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 टाइम साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, ये हमारे पास T8 आ गया। ठीक है, तो इसको भी मैं ऊपर कॉपी कर देता हूं, T8 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 माइनस 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टाइम साइन द पावर 4 थीटा कोस द पावर 4 थीटा। अब हम T6 को फाइंड आउट करेंगे, इसको आप नोट करो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो T6 इज इक्वल टू क्या आएगा, n के रिप्लेस पे 6 पुट करते हैं तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। ओके, अब इसको अरेंज करते हैं, इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से ए प्लस बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये तो आपका वन हो गया, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2ab ऐड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। देखो ये तो वन हो गया था, अब इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, अब ये कंप्लीट बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम और 1 टाइम 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया T6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब T10 T8 और T6 की वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो पहले 6 इंटू T10 क्या है 1 माइनस 5 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 5 टाइम कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा। ओके, उसके बाद माइनस 15 T8 क्या है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम साइन द पावर 4 थीटा कोस द पावर 4 थीटा। उसके बाद प्लस 10 T6 हमारे पास है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और लास्ट में माइनस 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है 6 इंटू 1 6 माइनस 6 5 जा 30 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 6 5 जा 30 कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको 15 से करता हूं तो माइनस का 15 ये हो जाएगा प्लस का 60 15 4 जा 60 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 15 इंटू 2 माइनस का 30 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। अब इसको 10 से करेंगे तो 10 माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके गाइस, अब देखते हैं, देखो ये माइनस का 30 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का 30 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा,
30 प्लस 30 60, ये पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है। अब ये बच गया आपका 30 कोस दी पावर 4 थीटा साइन दी पावर 4 थीटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल। अब ये 6 प्लस का 10 प्लस का 16 हो गया ना, ये 15 माइनस का 1 माइनस का 16, कुल मिला के आपके पास क्या आ गया, 0। तो हेंस रूट, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड पोर्शन कंप्लीट। तो गाइस इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।